नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गुरसनाई में आज श्रावण मास की हरियाली तीज के अवसर पर शुभ विशुद्ध नाश्य जी में दिगंबर जैन मंदिर गुरसनाई दिगंबर जैन समाज की बहु बेटी मंडल के द्वारा एक वृक्ष माँ के नाम से वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गुरसनाई थाने की महिला सब इंस्पेक्टर स्वाति चौधरी, महिला कांस्टेबल प्रियंका को बहु बेटी मंडल की अध्यक्षिका के द्वारा स्मृति चिन्ह एवं श्री फल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बहु बेटी मंडल की अध्यक्षिका राखी जैन ने कहा कि एक वृक्ष माँ के नाम हम सभी के द्वारा लगा ना चाहिए। ये वृक्ष हमें फ्री ऑक्सीजन देने का काम करता है एवं वातावरण को शुद्ध रखता है। हमारे जीवन के लिए एक वृक्ष बहुत जरूरी है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो पर्यावरण नहीं होगा। पानी की समस्या से जूझना पड़ता है, इसलिए हमें वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम संकल्प लें कि हर व्यक्ति को एक पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। आज महिलाएं देखो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कहीं भी देख लो, पुलिस विभाग में देख लो या डॉक्टर में देख लो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने महिला मंडल की तरफ से स्वाति जी का और प्रियंका जी का सम्मान किया है। स्वाति जी हमारे क्षेत्र की दरोगा जी हैं और उन्होंने वो हमारे बहुत सहयोग करती हैं। इसी क्षेत्र में हम लोग इनका सम्मान कर रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज हमारे यहाँ हरियाली की है और भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है एक पेड़ माँ के नाम, हम उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए और वातावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए इस काम को और आगे बढ़ाते रहना चाहती हैं। और सकल दिगंबर जन समाज हमेशा इस काम में सहयोगी बनी रहेगी और समाज के लिए और देश के लिए आगे बढ़ती रहेगी। अब वृक्षारोपण हमारे संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आगे हमें ऑक्सीजन और जब प्रकृति का संतुलन एक सा बना रहता है तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और पेड़ पौधे फल फूल आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमें स्वच्छ वायु की जरूरत है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।